नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति ज्ञान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से ज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय जबकि ऐसे में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर बनाई सरकार। मैं बस ये बता दूं कि आवाज में और तस्वीरों में थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। नीतीश कुमार ने साइन किया और ये तस्वीर देखकर हो सकता है कि बहुतों के मन में वो गाने की दो लाइनें आ गई हो, आन मिलो सजना। नीतीश बाबू ने दस्तखत किए और अब 9वीं बार बन चुके हैं मुख्यमंत्री बिहार के, और इस बार साथ है भारतीय जनता पार्टी। मुबारकबाद देते हुए और मुबारकबाद लेते हुए यहां पर नीतीश बाबू जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। पूरा हॉल भरा हुआ है खचाखच। जेडीयू, एचएम और बीजेपी, रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी और पशुपति पारस वाला जो खेमा है, सभी कार्यकर्ता इन पार्टियों के, एक इंडिपेंडेंट एमएलए भी इस बार शपथ लेने वाले हैं। तो शपथ लेने के बाद अपनी कुर्सी ग्रहण की महज जून 2014 से फरवरी 2015 के बीच का वो वक्त था जब सीएम पद पर नहीं थे। अनुमति से मैं मंत्रीगण की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूं। आदेश, बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी। कुशवा है वरिष्ठ आरजेडी नेता और लालू राबड़ी सरकार में मंत्री रहे, शकुनी चौधरी के बेटे हैं, राबड़ी सरकार में मंत्री बनाए गए लेकिन कम उम्र की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। जेडीयू में आए, जितिन राम मांझी सरकार में भी मंत्री रहे, फिर 2015 में बीजेपी ज्वाइन की, 2021 में नीतीश सरकार में मंत्री बने, फिर विधान परिषद में बीजेपी विधान परिषद दल के नेता बनाए गए, 2023 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने सुमित कुमार सिंह, बिहार राज्यपाल के, और अगला नंबर शपथ का उन्हीं का, राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मंत्री श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने का कृपा करें। तो अब से कुछ घंटों पहले तक पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा दिया था। हालात जब बदले, सिचुएशन बदली, तो सम्राट चौधरी कुशवाहा नेता बन गए
विधायक दल के नेता उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी, मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सम्राट चौधरी ने अपनी शपथ खत्म की, जमकर नारेबाजी वहां हॉल में शुरू हुई। दस्तखत करते हुए अपनी नई पारी के लिए सम्राट चौधरी अब होंगे उप मुख्यमंत्री। बीजेपी के कद्दावर चेहरे के तौर पर आते ही धुएंधार पारी की शुरुआत की 2022 में विधानसभा में, 2023 में माफ कीजिएगा, पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया। 2015 में बीजेपी ज्वाइन की थी और आज बीजेपी के डिप्टी सीएम के चेहरे पर सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं। तो सम्राट चौधरी अब जाकर बैठेंगे बगल में नीतीश बाबू के। हालांकि राजनीति है ये, मनोनीत कुछ घंटे पहले तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था, अब अगला नंबर मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने के लिए पात्र हैं। और अब अगले नेता का नाम लिया गया है, विजय सिन्हा भूमियार नेता जो शपथ लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विजय सिन्हा कद्दावर नेताओं में से एक, बिहार के लखीसराय से 2010 से लगातार विधायक रहे हैं। शपथ ग्रहण करते हुए विजय सिन्हा बड़ा भूमिहार चेहरा है, 2017 में पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने थे। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विजय सिन्हा बड़ा भूमिहार चेहरा बिहार का और अब उप मुख्यमंत्री, क्योंकि उपनेता भी चुने गए हैं बीजेपी की तरफ से और आरएसएस से लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं। 2020 में स्पीकर थे, विपक्ष के नेता के तौर पर उनको चुना भी गया। 2022 में विधानसभा
बीजेपी ने विधानसभा में इन्हें विपक्ष का नेता चुना था और आज उपनेता चुने गए हैं, तीसरा नंबर विजय सिन्हा का, जो शपथ ले चुके हैं दस्तखत करते हुए इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ₹2010 से लगातार विधायक रहे हैं। लखीसराय वो इलाका जहां की जनता इन्हें बेहद मोहब्बत करती है और वोट लुटाती भी है, यही वजह है कि लगातार 2010 से मनोनीत मंत्री जीत कराते रहे। कुमार चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर जेडीयू के नेता विजय कुमार चौधरी को इस वक्त मंच पर आमंत्रित किया गया है शपथ लेने के लिए। जेडीयू के विजय कुमार चौधरी ये भी बड़ा भूमिहार चेहरा है, वत्स साहब बाकायदा बिहार की राजनीति में बड़े एक्टिव रहे हैं। विजय चौधरी जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं नीतीश बाबू के, और 2010 से ये भी समस्तीपुर का जो सरायर रंजन इलाका है वहां से विधायक चुने जाते रहे हैं। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ठीक है, इस वक्त आप देख रहे थे 82 से लेकर 95 का वो टाइम याद कीजिए जब दलसिंह राय से ये चुनाव लड़ा करते थे और उसके बाद 2015 से लेकर 2020 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ उनके शपथ ग्रहण के बाद नारेबाजी, आप ये देखिए लगातार इसी तरह की नारेबाजी चल रही है और बहुत करीबी माने जाते हैं नीतीश बाबू के। इनफैक्ट वो भूमिहार नेता जिसकी बात नीतीश बाबू बहुत सुनते हैं और इनकी पैठ भी बिहार में रही है, अच्छी खासी रही है, और ख़ासकर वो समस्तीपुर का इलाका जहां से वो 2010 से लगातार विधायक चुनकर आ रहे हैं उस इलाके में अक्सर इनके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो इनकी तरफ से नहीं किया जा सकता है। तो शपथ ग्रहण करने के बाद चेहरे पर मुस्कान लिए इस वक्त आपको एक और भूमिहार नेता नजर आ रहे हैं और गिनती करते चले जाइएगा। देखिए वो जो नीतीश बाबू के बगल में ये सारे के सारे चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे, और अब अगला नंबर आ रहा है विजेंद्र प्रसाद यादव का। विजेंद्र प्रसाद यादव को इस वक्त बुलाया गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में आपको बता दूं कि ये भी बड़े करीबी माने जाते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से 1990 से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं, यानी वो ये तमाम चेहरे हैं जिनको अच्छा खासा अनुभव है चुनाव जीतने का, चुनावी रणनीति बनाने का, और मंच पर अब विजेंद्र यादव को बुलाया गया है। नीतीश कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं और लंबे अरसे से नीतीश के साथ नीति पर बिहार की काम करते रहे हैं, इन्हें भी चुन लिया गया है। और ये विशेषाधिकार होता है मुख्यमंत्री का कि जब आप शपथ ले रहे होते हैं तो एक सूची आप देते हैं, उसके तहत 164A वो रूल है, उसके तहत ये विशेषाधिकार होता है कि वो कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाएं।
और ये देखिए विजेंद्र यादव इस वक्त आपको देख रहे हैं, बिहार में हर घर बिजली पहुंचाने का श्रेय इनके नाम। प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की सच्ची सुधार रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सुधारपूर्वक शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश की बिना किसी सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय प्रसाद यादव सत्य शासक प्रतिदान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संगत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत बिल्कुल संसूचित या प्रगत नहीं करूँगा। यादव एक बार फिर से शपथ लेते हुए आपको नजर आ रहे थे। हर घर में बिजली, क्योंकि पिछली सरकार जो थी उसमें ऊर्जा मंत्री थे और हर मंच से नीतीश बाबू ये कहते नजर आते थे कि विजेंद्र बाबू ने इतना बढ़िया काम किया है कि आपके घर चमचमा रहे हैं, बिजली आपके घर तक पहुंची है। 2005 के बाद से हर कैबिनेट में मंत्री रहे हैं विजेंद्र यादव, और जैसा मैंने कहा कि जाति वाला कार्ड जो है वो लगातार आप देखते रहिएगा। अब तक दो भूमिहार नेता, एक यादव नेता इस वक्त आपको शपथ लेते हुए दस्तखत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगला नंबर, क्योंकि 9 ऐसे नाम हैं जो लिस्ट में आज मौजूद हैं जिनको आज शपथ लेनी है, और उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा, उसके बाद बाकी सारे नाम आएंगे जिसमें ये क्लैरिटी आएगी कि पिछला जो कॉम्बिनेशन परमिटेशन था वो रहेगा या फिर इस बार बदलाव कर दिया जाएगा। अब अगला नंबर सुनिएगा। '95 से '97 तक का इनका जो कार्यकाल मंत्री वो सबसे ज्यादा प्रेम कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर दलित नेता करने के कपास भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और गया शहर से 1990 से वो भी लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। अब वो मंच पर आते हुए प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता चेहरा है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, एक कद्दावर दलित चेहरा है। और यही बात तो बार बार सारे पॉलिटिकल पंडित कर रहे हैं कि जो 9 लोगों की लिस्ट है इसमें दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि सबके सब एक्सपीरियंस्ड हैं, हर बार जीते हैं, हार ने इनका चेहरा नहीं देखा है। और अभी प्रेम कुमार यादव को आप शपथ लेते हुए सुनेंगे। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। दलित चेहरे के तौर पर प्रेम कुमार को जाना जाता है, और प्रेम कुमार इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, भगवा जैकेट धारण किए हुए हैं, अपने पॉकेट से पेन निकाला है, दस्तखत करते हुए 2015 से लेकर 2017 तक विपक्ष के नेता रहे हैं। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कई सारे विभागों को इन्होंने संभाला है, और बीजेपी इनको बहुत इन पर भरोसा करती है। यही वजह है कि 9 लोगों की लिस्ट में अभी इनको शामिल किया गया है। कृषि जो है, कृषि डिपार्टमेंट, इनकी देखरेख में बहुत काम हुआ। डॉक्टर प्रेम कुमार जिंदाबाद के नारे यहां पर लग रहे हैं। तो नीतीश सरकार में कृषि सहित कई बड़े विभागों के मंत्री रहे।
श्री श्रवण कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने के लिए पात्र हैं। और अगले नेता श्रवण कुमार मंच पर आकर शपथ लेते हुए 1994 से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। श्रवण कुमार जेपी आंदोलन के जरिए राजनीति में इनकी एंट्री हुई थी, जेपी आंदोलन की ही उपज इन तमाम जो बड़े नेता आपको दिखाई दे रहे नजर आ रहे हैं। नालंदा सीट से कई बार जीत दर्ज किए, 94 से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। और श्रवण कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो ठान लेते हैं वो जरूर करते हैं, और यही वजह है कि नालंदा सीट 95 के बाद से हमेशा इनके पास। श्रवण कुमार से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या अपमान, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रवण कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रवण कुमार स्वजाति है, ध्यान रखिएगा, यानी नीतीश बाबू कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं और श्रवण कुमार भी नालंदा से आते हैं। और 2015 के बाद से लगातार नीतीश बाबू की कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, 94 से नीतीश कुमार के साथ हैं, और उसके बाद कहते हैं कि ये जोड़ी और ये साथ ऐसा बंधा कि दोनों फिर कभी अलग नहीं हुए हैं। श्रवण कुमार कुर्मी हैं और यानी अब तक दो कुर्मी हो चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी इस बार जो है बैकवर्ड वाला कार्ड चलने में कोई कोताही नहीं बरती है, इसीलिए कुर्मी से जुड़ता हुआ कुशवाहा चेहरा जो है वो आपको सम्राट चौधरी के रूप में नजर आ रहा है। मनोनीत मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने के लिए पात्र हैं। संतोष कुमार सुमन जो कि दलित हैं इस वक्त शपथ लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं। ये हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के संस्थापक यानी जितिन राम मांझी के बेटे हैं, और HAM से जो एक शपथ लेने के लिए नाम चुना गया था वो संतोष कुमार सुमन का है। मैं संतोष कुमार सुमन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुन रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुवाद या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के द्वारा न्याय करूंगा। मैं संतोष कुमार सुमन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सुमन को इस वक्त आप शपथ लेते हुए सुन रहे थे, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं और जितेंद्र देसाई भी हमारे साथ यहाँ, शैलेंद्र देसाई माफ कीजिएगा, हमारे साथ बने हुए हैं। HAM ने भी बार्गेन तो कर ही लिया,
मेरा नाम शैलेंद्र दुबे है रुका जी। माफ कीजिएगा। जी जी शुक्रिया। और जाहिर सी बात है, देखिए ये जो मूव है पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं मौका परस्ती साफ स्पष्ट दिखाई देती है। और HAM को ये साफ लग रहा है, जितने भी छोटे दल हैं उनको लग रहा है कि NDA की ही पुनरावृत्ति होने वाली है 2024 में। तो जाहिर सी बात है वही नीतीश के द्वारा भी मूव है, ऑपर्चुनिस्ट आप कह रहे हैं, ऑपर्चुनिस्ट है। उसमें कोई वो है ही नहीं, मतलब किंतु परंतु कुछ है ही नहीं, क्योंकि जनादेश मिला था 2020 में BJP प्लस JDU अलायंस को। उसके बाद जो है जनादेश के उलट आप जाते हैं RJD के साथ में और पुनरावृत्ति होती है। और BJP का जो मूव है वो देखने वाला है कि पहले डिप्टी CM जो दो थे वो लो प्रोफाइल के थे और अभी जो दो डिप्टी CM है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के। अनुरोध है इसलिए आखिरी नाम है लिस्ट में, उस नाम की घोषणा भी हो चुकी है, निर्दलीय चुने गए हैं और इनको बकायदा यानी सुमित कुमार सिंह को जो कि राजपूत है इनवाइट किया गया है शपथ लेने के लिए। आपको मैं बता दूं कि इंडिपेंडेंट इसलिए MLA को साथ में रखा गया है क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई खेला होता है तो यहाँ सपोर्ट बना रहे, तो इनको भी इनवाइट किया गया है। मैं सुमित कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ तो मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या भेद के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं सुमित कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ जो भी है बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। लगातार राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं और इकलौते इंडिपेंडेंट MLA हैं बिहार में जिनको इस वक्त आप शपथ लेने के बाद दस्तखत लेते हुए दस्तखत कर